हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। यहां हम बातें करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स की, उनके सॉल्यूशंस की, और साथ ही मैं भी अपने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूं। फ्रेंड्स, पीरियड्स आना हर महिला की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हर महीने उनका जो पीरियड्स होता है वो उनकी अच्छी हेल्थ के बारे में बताता है, वो उनके सही रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताता है। पीरियड्स का कलर कैसा है, पीरियड्स में ब्लड का फ्लो कैसा है, पीरियड्स जो आ रहा है उसकी टाइमिंग सही है या नहीं सही है, ये सारी ज़रूरी बातें हैं जो कि बताती हैं कि आपका ओवुलेशन टाइम कैसा होगा और फिर उसके बाद आपको प्रेगनेंसी के लिए कितना वेट करना पड़ेगा। जिनके पीरियड्स एकदम ठीक होते हैं, जिनके पीरियड्स का ब्लड का कलर एकदम ठीक होता है, पीरियड्स की टाइमिंग एकदम ठीक होती है और पीरियड्स में ब्लड का फ्लो एकदम ठीक होता है, 2 दिन ही अगर आपके पीरियड्स आ रहे वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर पीरियड्स में आपके ब्लड का फ्लो सही है तो वो 2 दिन भी आपके लिए ठीक हैं। बहुत सारे लोग टेंशन लेते हैं कि हमारे पीरियड सिर्फ 2 ही दिन आते हैं, 4 दिन नहीं आते, 5 दिन नहीं आते, तो क्या हमें प्रेगनेंसी कंसीव होगी या फिर क्या हमारा ओवुलेशन होगा। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, पीरियड्स मेरे भी सिर्फ 2 ही दिन आते हैं, लेकिन बस आपको चेक करने की ज़रूरत है कि पीरियड्स में आपके ब्लड का फ्लो ठीक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग भी नहीं होनी चाहिए, जितनी नॉर्मल ब्लीडिंग होती है उतनी रहनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो चैनल पर मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले ईवी केयर सीरप के बारे में वीडियो अपलोड किया है, वो हिमालय की ईवी केयर सीरप है, आयुर्वेदिक सीरप है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ख़ास उन महिलाओं की समस्याओं के लिए ही बनी है। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, उस वीडियो का आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको पीरियड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप वो पीरियड अपने सही करिए, वो सीरप आप 1 मंथ लीजिए, आपके पीरियड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब पीरियड के बाद टाइमिंग आती है ओवुलेशन की। आपके पीरियड्स बताते हैं कि आपके ओवुलेशन कैसा होगा। अगर आपका पीरियड सही से आया है, टाइम पर आया है, पीरियड्स में ब्लड का फ्लो सही था, सिर्फ स्पॉट्स आए और आकर के चले गए और वो मंथ निकल गया सिर्फ स्पॉटिंग में ही, तो ये बताता है कि आपका ओवुलेशन ठीक नहीं होगा। अगर पीरियड्स में आपके ब्लीडिंग अच्छी हुई है, ठीक हुई है, टाइम से आए हैं, तो आप डेफिनेटली आप श्योर रहिए कि आपका ओवुलेशन भी सही टाइम पे आएगा और एकदम सही से होगा। कुछ लोगों को सिर्फ स्पॉटिंग होती है और स्पॉट आते ही आते ख़त्म हो जाती है और वो मंथ उनका निकल जाता है, फिर वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि उनका ओवुलेशन होगा या इस महीने की नहीं होगा। तो अगर सिर्फ स्पॉटिंग आई है और स्पॉट्स आ करके चले गए हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि आपका ओवुलेशन उस महीने होगा कि नहीं होगा, बहुत रेयर होता है, क्योंकि आप खुद से फिर उसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि आपका ओवुलेशन कब होगा, क्योंकि उसमें अगर आपको टाइम नहीं आपका पता होता आपको कि ओवुलेशन कब होगा, और जब इस तरह के पीरियड्स आते हैं तो ओवुलेशन का ठीक से होना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए पहले आपको अपने पीरियड्स को ठीक रखने की ज़रूरत है, उन्हें टाइम से रखने की ज़रूरत है, उनके ब्लड को सही से रखने की ज़रूरत है, और मेन इम्पॉर्टेंट होता है पीरियड का टाइमिंग, क्योंकि जिस हिसाब से आपके पीरियड्स आएंगे उसी हिसाब से आप अपने ओवुलेशन को भी ट्रैक कर पाएंगे, बहुत आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। अब बात आती है कि ओवुलेशन इस महीने अगर होगा तो हम कैसे पता करें। ओवुलेशन को फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला जो होता है कि ओवुलेशन का जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो एकदम रॉ एग जैसा होता है, कच्चे अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है ओवुलेशन का जो डिस्चार्ज होता है वाइट। इस तरह का अगर डिस्चार्ज हो रहा है आपको तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपका ओवुलेशन टाइम चल रहा है। दूसरा जो सिम्टम होता है ओवुलेशन, जब आपका ओवुलेशन टाइम निकट आएगा तो आपको कि सेक्स अपील बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सेक्स की डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये ओवुलेशन में खास महिलाओं को सिम्टम्स दिखते हैं। अगर आपको इस टाइप का सिम्टम्स दिख रहा है, ऐसी आपको डिज़ायर हो रही है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपका ओवुलेशन टाइम चल रहा है। इसके अलावा ओवुलेशन के टाइम पे पेट में हल्के हल्के पीरियड्स जैसे क्रैम्प्स आते हैं, ये भी बहुत खास लक्षण है जो कि बताता है कि आपका ओवुलेशन टाइम है। ये हल्का सा पेट में आपके मरोड़ जैसा होगा और आपको हल्का सा फीवर भी महसूस होगा, इससे भी आप समझ सकते हैं कि आपका ओवुलेशन टाइम चल रहा है। आपका नॉर्मल टेम्परेचर से आपका थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा जब आपका ओवुलेशन टाइम होगा।
और साथ ही आपको थकान भी महसूस होगी और हल्का सा आपको घबराहट टाइप की भी लग सकती है, आपको कमजोरी लग सकती है। इस टाइप के सिम्टम्स भी ओवुलेशन में आते हैं, क्योंकि ओवुलेशन का जो टाइम होता है वो एग रिलीज का टाइम होता है, जब ओवरी से एग निकल के फेलोपियन ट्यूब में आ रहा है। तो जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो उस टाइम पर थोड़ी सी थकान आती है, थोड़ी सी वीकनेस आती है और थोड़ा सा फीवर आ जाता है और डिस्चार्ज तो वाइट जो है वो तो ओवुलेशन का मेन खास सिम्टम होता ही है। तो इस टाइप के सिम्टम्स बता देते हैं कि इस महीने आपका ओवुलेशन हुआ है। अगर आपको ये ओवुलेशन के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन हो रहा है। और अगर आपके पीरियड्स एकदम ठीक आए हैं तो आपका ओवुलेशन आप खुद ट्रैक कर सकते हैं आसानी से। चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है जिसमें मैंने 21 से 50 दिन तक की पीरियड साइकिल बताई है, जिसमें इस 21 दिन पे जिनके पीरियड्स आते हैं उनका ओवुलेशन टाइम कब होगा और इस दौरान पूरा 50 दिन की जिनकी पीरियड साइकिल है उनका ओवुलेशन कब होगा। तो पूरा मैंने चार्ट बना के दिखाया है उस वीडियो में, तो आप आसानी से उस दिन को देख सकते हैं जिस दिन आपका जिस दिन पीरियड ओवुलेशन स्टार्ट होगा। आप अपनी पीरियड साइकिल चेक कर लीजिए और उसके सामने आपका ओवुलेशन टाइम लिखा है वो आप चेक कर लीजिए और आप आसानी से अपना ओवुलेशन टाइम ट्रैक कर सकते हैं उस दिन और सिम्टम्स भी नोट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी जानकारी है जो मैंने आपको दी है। और अगर आपके पीरियड्स नहीं हैं ठीक, आप अपने पीरियड से परेशान हैं कि वो टाइम पे ही नहीं आ रहे, वो इरेगुलर हैं, रेगुलर ही नहीं है, यहाँ तक कि अगर आपके PCOD, PCOS या PMS है या यूट्रस में ब्लीडिंग है, सूजन है, तो आप ईवी केयर सीरप बिंदास पीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के ले सकते हैं। आपको इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ आपको इसके फ़ायदे ही देखने को मिलेंगे। इसे आप ये बहुत कम प्राइस में आती है और ख़ास महिलाओं की हर्बल आयुर्वेदिक सिरप महिलाओं के लिए बनी है। तो वीडियो का लिंक मैं दूंगी कमेंट बॉक्स में, आप वो सिरप मंगा लीजिए, कहीं से भी मंगा लीजिए, आप चाहे ऑनलाइन परचेस कर लीजिए उसके लिंक भी मैंने दिए हुए हैं, और चाहे आपको मेडिकल स्टोर पर मिले, कहीं भी मिले, आप आराम से परचेस करके उसको यूज़ करना शुरू करिए, आपकी ये सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएंगी, आपका ओवुलेशन भी एकदम ठीक होगा और अगर ओवुलेशन होगा पीरियड्स ठीक होंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में कभी दिक्कत नहीं होती है, अगर ओवुलेशन टाइम पे होता है और पीरियड्स ठीक होते हैं। तो ये ज़रूरी वीडियो था, इसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है प्लीज़ इसे ज़रूर फॉलो करिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होने में हेल्प मिले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी से जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स जुड़े हैं उन सभी को माँ बनने का सुख ज़रूर मिले। और टिप फॉलो करने के बाद किसी की हेल्प होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज है, अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर पर्सनली कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रतिभा6633। मिलेंगे हमारे नए वीडियो में किसी नई और ज़रूरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बब बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए।